गुड मॉर्निंग एवरीबडी। महाराजा सूरजमल पीजी महाविद्यालय अजबपुरा गठवाड़ी के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज आधुनिक भारत का इतिहास जो बीए थर्ड ईयर का प्रथम प्रश्न पत्र है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और उसके अंदर भी हम भारतीय राष्ट्रवाद के उदय या भारतीय राजनीतिक जो विकास हुआ, राजनीतिक जनजागरण, उसके उदय के क्या कारण रहे हैं वो मैंने पीछे बोर्ड पर आपको लिख दिए हैं, उनके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि भारतीय राष्ट्रवाद का विकास भारत में किन किन परिस्थितियों में और किन किन कारणों की वजह से हुआ, ताकि 1947 तक आते आते भारत से हमने अंग्रेज़ों को बाहर निकाल दिया। तो उसके पीछे ये बहुत सारे कुछ कारण थे मुख्य मुख्य जिनकी के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे और भारतीय राष्ट्रवाद कैसे भारत में फैला उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। जैसे कि 15 अगस्त 1947 में देश आज़ाद हुआ और इस आज़ादी को लेने में कई वर्षों का समय भारतीय राष्ट्रवादियों, इनको स्वतंत्रता सेनानी भी हम बोल सकते हैं, उन्होंने अपने जान और माल से देश में स्वतंत्रता हम लोगों को दिलवाई और उनकी अपनी अपनी विचारधारा थी और कुछ उदारवादी विचारधाराओं को लेकर चले, कुछ उग्रवादी विचारधाराओं को लेकर और कुछ एक कदम आगे बढ़कर क्रांतिकारी और अतिवादी होकर अंग्रेज़ों से संघर्ष किया और जिसके परिणाम स्वरूप भारत को आज़ादी प्राप्त हुई। 1857 की क्रांति के पश्चात भारतीय राजनीति में बहुत सारे आमूलचूल परिवर्तन हुए। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थान पर ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश राज ने सीधा भारत का शासन अपने हाथ में ले लिया और इंग्लैंड में एक काउंसिल स्थापित करके गृह सचिव को उनका हेड बनाकर और भारतीय गवर्नर जनरल का पद को दोबारा सर्जित करके देशी राज्यों के प्रति वायसराय के पद को सर्जित किया, जो दोनों एक ही व्यक्ति को दिए थे, उसके माध्यम से भारत में शासन संचालन किया। धीरे धीरे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का भी विस्तार हुआ और अंग्रेजी शिक्षा के कारण यहाँ के जो भारतीय नवयुवक थे उन्होंने भारत की दुर्दशा को देखा और विदेशों की बातों को सुना। विदेशी देशों में जब वे गए तो वहाँ की स्थितियों को उन्होंने देखा तो अपने देश से उन्होंने उसका तुलना की, जिसके परिणाम स्वरूप उनके मन में भी अब भारत की स्थिति को सुधारने के लिए कुछ करने का लगन उत्पन्न हो गई। शुरू में ये जो मध्यम वर्गीय तबका था, जो पढ़ा लिखा तबका था, जो सरकारी नौकरी चाहता था और व्यापार करना चाहता था, तो प्रारंभ में वह अंग्रेज़ों को ही सेंटर में रखकर ब्रिटिश सरकार की को ही के द्वारा ही वे अपने आप को निखारना चाहता था, अपना काम धंधा करना चाहता था। परंतु धीरे धीरे उनको जब इस बात की का एहसास हुआ कि जो कंपनी, जो ब्रिटिश सरकार है, वे केवल भारत के प्रति शोषण ही चाहता है, इससे उनमें आक्रोश उत्पन्न हुआ और ये आक्रोश धीरे धीरे भारतीय राष्ट्रवाद के रूप में उभर कर सामने आया, जिसके परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 तक जाते जाते भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तो सबसे पहले भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारण में हम बात करेंगे भारत का राजनीतिक एकीकरण। भारत का राजनीतिक एकीकरण, जब 1707 में मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु हुई, उस समय मुगलों के पास एक बहुत बड़ा भारत का क्षेत्र उनके अधीन था जिनमें उनका एक छत्र शासन चला करता था, लेकिन जैसे ही मुगलों का पतन हुआ तत्पश्चात भारत विभिन्न छोटे छोटे राज्यों में पुनः बट गया, जिसके परिणाम स्वरूप भी विदेशी जो कंपनियां व्यापार के लिए भारत आई थी उन्होंने इस स्थिति का फ़ायदा उठाया और फ़ायदा उठाकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक व्यापारिक कंपनी के रूप में जिसने काम शुरू किया, धीरे धीरे उन्होंने राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए भारत में अपनी साम्राज्यवादी नीति का विस्तार करना शुरू कर दिया और संपूर्ण देश पर लगभग अंग्रेजों ने अपना अधिकार कर लिया जो भी देसी रियासतें थी उन पर भी
अप्रत्यक्ष रूप से उन्हीं का शासन था, उन्हीं के द्वारा उनकी नीति निर्धारण की जाती थी। इसका फायदा एक ये हुआ कि अब भारत में, संपूर्ण भारत में एक केंद्रीय दृढ़ शासन के केंद्रीय दृढ़ शासन की स्थापना हुई, जिसके अंतर्गत भारत में एक राजनीतिक एकता स्थापित हुई। अब उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक भारत में एक रूपता के साथ पूरा राजनीतिक विकास हुआ, एक ही कानून का पालन किया गया, जिसके द्वारा भारतीयों में एक तरह से राजनीतिक एकता पनपी। अब जो पहले वे विभिन्न राज्यों, जातियों, प्रजातियों में बटा हुआ था, उससे ऊपर हटकर वे एकता के रूप में आना शुरू कर दिया। इससे भारतीयों में राष्ट्रीयता के अंकुरण का बीज उत्पन्न हुआ और उनमें एकता की भावना आई। समान विचारों वाले व्यक्तियों का एक दूसरे से मिलन हुआ और उन्होंने अब देश के लिए कुछ करने की भावना से काम करना धीरे धीरे देश में शुरू कर दिया। इस एकता को महत्वपूर्ण बनाने का जो श्रेय दिया जाता है, उसमें पाश्चात्य शिक्षा, यातायात का विकास और संचार साधनों के द्वारा उनमें इस एकता को और भी सुदृढ़ता प्राप्त हुई, जिसके माध्यम से भारत के विभिन्न क्षेत्रों के जो लोग, पढ़े लिखे लोग थे, वे एक मंच पर आकर काम करने लगे। और इसका परिणाम यह हुआ कि 1885 तक आते आते 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसी एक राष्ट्रीय संस्था का गठन हुआ, जिसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के द्वारा इस संस्था में भाग लिया गया और इसके माध्यम से अंग्रेजी सरकार से विभिन्न मांगों को मांगने के लिए अपने विचार व्यक्त किए। हालांकि शुरू में उनके जो विचार थे वे केवल आदरपूर्ण थे, आजीजी करके ही उनसे अपनी बात मनवाने के लिए वे कंपनी को, ब्रिटिश सरकार को कहा करते थे। लेकिन ये शुरुआत भारत में हो चुकी थी, भारत में एक राजनीतिक एकता धीरे धीरे स्थापित हो चुकी थी। इसी राजनीतिक एकीकरण ने भारत में राष्ट्रीयता का विकास किया। तो आपको भारतीय राजनीतिक एकीकरण में के द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद के या भारतीय राजनीतिक जागरण की जो उत्पत्ति हुई, उसके बारे में आपको बताया। इसके बाद बात करते हैं धर्म सुधार आंदोलन। भारत में 19वीं सदी में विभिन्न लोगों के द्वारा धर्म सुधार आंदोलन शुरू किया गया। जैसे कि आपको मालूम है कि 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म प्रचार के लिए पूरी अनुमति प्रदान कर दी थी और ईस्ट इंडिया कंपनी उनको धन और सैनिक आदि की सहायता किया करती, जिससे कि वह भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सके। ये लोग भारतीय धर्मों को भला बुरा बताते थे और उनको नीचा दिखाने की हमेशा कोशिश करते थे और अपने धर्म को भारत पर भारतीय वासियों पर थोपने की कोशिश करने लगे। तब कुछ प्रबुद्ध भारतीय लोगों ने इन मिशनरियों और जो भारतीय धर्मों के अंदर जो बुराइयां, जो कर्मकांड आ चुके थे, जो क्रूरतियां आ चुके थे, उनको दूर करने का बीड़ा उठाया। इस काम को सबसे पहले शुरू किया राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्म समाज की स्थापना करके ईसाई मिशनरियों के जो भारत पर आक्रमण हो रहे थे उनको रोकने की कोशिश की, और उनके द्वारा यह भारत में एक तरह से प्रथम कदम था, जिन्होंने प्राचीन भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को केंद्र मानकर अपने विचारों का प्रचार किया। हालांकि राजा राम मोहन राय पाश्चात्य सभ्यता से काफ़ी प्रभावित थे, लेकिन वे पूरी तरह से ही उनको आच्छादित करने के लिए ही नहीं मानते थे, बल्कि प्राचीन भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को भी वे अपने विचारों का आधारभूत अंग मानते थे। तो शुरू में ये काम किया राजा राम मोहन राय ने, हालांकि ये काम निचले स्तर तक नहीं पहुंच पाया। कुछ पढ़े लिखे लोगों तक ही ब्रह्म समाज के काम सीमित रह गए। अगली जो कड़ी की बात करते हैं उसमें स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम लेते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी जो संस्था है आर्य समाज के माध्यम से, और उनकी मृत्यु के पश्चात भी भारतीय धर्म एवं संस्कृति का प्रचार वेदों का केंद्र में रखते हुए उन्होंने जनसाधारण तक भी अपनी बातों को पहुंचाया और भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की जो प्राचीन गौरवशाली गाथाएं थी उनको जनसाधारण तक उन्होंने पहुंचाया। इसी तरह से
थियोसोफिकल सोसाइटी की दक्षिण भारत में स्थापना हुई। इसकी एक महत्वपूर्ण जो सदस्य थी श्रीमती एनी बेसेंट, उनके द्वारा इस संस्था के द्वारा भारत में प्राचीन भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का ज्ञान भारतीयों को दिया गया कि आपकी प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति कैसी थी जिसको आपने काफ़ी पीछे छोड़ दिया था, अतः उसी के माध्यम से आपको उसी को सभ्यता एवं संस्कृति को केंद्र में रखते हुए उससे आपको बहुत कुछ सीखना चाहिए। थियोसोफिकल सोसाइटी ने काम किया भारतीय लोगों के अंदर। इसी तरह से स्वामी विवेकानंद और उनके जो संस्था रामकृष्ण मिशन ने भी 19वीं शताब्दी और उसके उत्तरार्ध में काफ़ी कार्य किए। स्वामी विवेकानंद तो विश्व स्तर पर भी भारतीय धर्म एवं संस्कृति का काफ़ी प्रचार प्रसार किया, आध्यात्मिकता को सेंटर में रखते हुए, आध्यात्मिकता को आधार बनाते हुए उन्होंने वेदांत के आधार पर भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का ज्ञान पूरे विश्व में करवाया। और उनका तो यहाँ तक मानना था कि आध्यात्म के द्वारा ही सांस्कृतिक विजय प्राप्त की जा सकती है, परंतु इसके लिए आवश्यकता है कि भारतीयों को दासता के जो जकड़े हैं, जंजीरों, उससे मुक्त किया जा सके, उससे मुक्त किया जा सके। इसी तरह से और भी बहुत सारे लोग थे, जैसे कि पश्चिम भारत में विष्णु कृष्ण चिपलुंकर खड़गे, महादेव गोविंद रानाडे हुए, तो बाद में उसके पहले दलितों में भी काफ़ी काम किया ज्योतिबा फूले ने, सरदार गुरुमुख ने, इसके अलावा भी और भी कई लोग थे जिन्होंने काम किया। जैसा कि स्वामी दयानंद सरस्वती का कहना था कि भारत स्वदेशी का नारा सबसे पहले उन्होंने लगाया कि स्वदेशी के माध्यम से ही हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं। उन्होंने कहा था कि भारत भारतीयों के लिए। इसी तरह से उनका यह भी मानना था कि विदेशी शासन कितना ही अच्छा हो, परंतु वह भारतीय शासन देशी शासन से अच्छा नहीं हो सकता। इस तरह से धर्म सुधार आंदोलन के द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद को एक अच्छी ऊंचाई मिली, जिसके माध्यम से बाद में बहुत सारे उनके जो शिष्य लोग थे उन्होंने भारतीय राष्ट्रता के मंच पर अपना कार्य किया और राष्ट्रवाद को के द्वारा भारत राष्ट्रवाद का भारत में प्रचार प्रसार किया। इस प्रकार से धर्म सुधार आंदोलन की भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका थी। पाश्चात्य शिक्षा का विकास, पाश्चात्य शिक्षा का विकास, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के समय औपचारिक रूप से लॉर्ड मैकॉले ने शिक्षा के क्षेत्र में भारत में काफ़ी काम किया। हालांकि उनका जो काम करने का जो मकसद था, जो टारगेट था, वे ये था कि भारतीय लोगों को शिक्षा दी जाए ताकि वे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति एक अनुराग उनके प्रति संभा एक अनुराग रख सके, उनसे उनके साथ संबंध स्थापित कर सके, उनके प्रति विद्रोही नीति ना अपना सके। तो शिक्षा के द्वारा वे एक ऐसा धड़ा पनपाना चाहते थे जिसके माध्यम से वे अंग्रेजों के प्रति भक्ति कर सके। तो प्रारंभ में लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा का उद्देश्य यही था कि वो कुछ समाज के कुछ लोगों को, कुछ वर्ग को शिक्षा दी जाए ताकि वे कंपनी अंग्रेजी सरकार के प्रति वफादारी कर सके। परंतु इसका फायदा ये हुआ कि भारतीयों में जैसे शिक्षा का विकास होता गया, वैसे वैसे उन्होंने उन्हें विश्व की बहुत सारी जानकारियाँ, विश्व के बहुत सारे थिंकर्स विचारकों का भी उनसे उनका उनको ज्ञान हुआ, जिसके माध्यम से जब उनको पढ़ा या उनकी वहाँ की व्यवस्थाओं को उन्होंने जाना, तब उसकी तुलना अपने देश से की तो उनको मालूम हुआ कि हमारे देश में तो कुछ भी नहीं है जबकि विश्व में तो बहुत कुछ हो रहा है। जैसे कि स्वयं इंग्लैंड की बात कर ले, जब भारतीय विद्वान इंग्लैंड गए पढ़ने लिखने के लिए तो वहाँ पर देखा कि वहाँ के प्रजातंत्र की स्थिति देखी तो वे उनसे काफ़ी प्रभावित हुए, तो वैसी स्थिति भारत को भी देखना चाहते थे। इसी तरह से फ्रांस की क्रांति ने भारतीय लोगों को काफ़ी प्रभावित किया, इटली में होने वाला स्वतंत्र संग्राम ने काफ़ी प्रभावित किया। इसके अतिरिक्त जो यूरोपीय विचारक थे, मिल, मिल्टन, स्पेंसर, रूसो, वाल्टियर जैसे विद्वानों के विचारों को जब इन्होंने पढ़ा तो उसकी वजह से उनके विचारों में आमूलचूल परिवर्तन हुआ और भारत में भी वे उसी तरह से शासन को सुधारना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने इसी की वजह से भारत में एक राष्ट्रवाद का उदय हुआ। अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से
उनको विश्व के अनेक घटनाओं की जानकारी मिली, उनके उन घटनाओं से वे काफ़ी प्रभावित हुए। इसी तरह से अंग्रेजी ने एक भारतीय लोगों में माध्यम का भी काम किया, भाषा माध्यम का भी काम किया। इससे पहले एक ऐसी कोई भाषा नहीं थी भारत में जो सब लोगों में संपर्क का काम कर सके, लेकिन अंग्रेजी वह भाषा थी जो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सभी जगह चला करती थी, जिसके माध्यम से भारतीय जो पढ़े लिखे लोग थे वे एक मंच पर आए और इसी कारण से उनके विचार मिलने शुरू हुए और उन्होंने भारत के लिए कुछ कर गुजरने की कोशिश की। इस प्रकार से पाश्चात्य शिक्षा ने भारतीयों को काफ़ी प्रभावित किया और विभिन्न विदेशी जो विचारधाराएं हैं उनसे भी वह काफ़ी प्रभावित हुए और इस प्रभाव के परिणाम स्वरूप भारत में राजनीतिक जनजागरण का उदय हुआ। इस प्रकार से पाश्चात्य शिक्षा का भी काफ़ी प्रभाव पड़ा। प्रजातीय विभेद की नीति, प्रजातीय विभेद की नीति, प्रजातीय विभेद के कारण भी भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति काफ़ी रोष उत्पन्न हुआ। वैसे जब ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त किया गया था 1857 की क्रांति के पश्चात और 1858 में महारानी विक्टोरिया ने घोषणा पत्र जारी किया था कि बिना किसी भेदभाव के, रंग, जाति, धर्म, संप्रदाय आदि के भेदभाव के बिना सभी भारतीयों को बराबर सरकार में मौका दिया जाएगा, परंतु भारतीय प्रशासन, अंग्रेजी प्रशासकों ने कभी भी इन नियमों कानूनों को कभी भी देश में लागू नहीं किया, जिसके वजह से भारतीयों में काफ़ी रोष भी रहा और जो पद दिए जाते थे भारतीयों को वे काफ़ी छोटे दिए जाते थे और उनकी भी कोई उनको रिस्पेक्ट, इज्जत नहीं दी जा सकती थी। इसी तरह से 1869 ईस्वी में जब सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भारतीय सिविल सेवा की सिविल सर्विस के एग्जाम पास किया, परंतु किसी तकनीकी कारण से उनको इस सिविल सेवा से बाहर कर दिया गया। जब बाद में उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी तो उनमें उन्होंने बताया था कि जब मुझे सिविल सेवा से निष्कासित किया गया तो भारतीय पढ़े लिखे लोगों के मन में ये विचार उत्पन्न हुए थे कि किस प्रकार से अंग्रेजों के द्वारा एक भारतीय व्यक्ति को सिविल सेवा से बाहर निकाल दिया गया। अगर उसकी जगह कोई अंग्रेज होता तो इतनी परेशानियों का सामना उनको नहीं करना पड़ता। इसी रंगभेद की नीति के कारण भारतीय लोग काफ़ी परेशान थे और भारतीयों पर काफ़ी आंचन भी लगाया जाता था, उनको ऊंची नीची दृष्टियों से, नीची नजरों से देखा जाता था और भारतीय प्रशासनिक क्षेत्रों में भारतीयों को उच्च पदों से वंचित करके उनके प्रति रंगभेद की नीति को अपनाया जाता था। किसी भी भारतीय जज को अंग्रेजों के मुकदमे, किसी भी भारतीय जज को अंग्रेजों के मुकदमों की सुनवाई का अधिकार नहीं था, यानी कि कोई भी भारतीय जज जब बना था वहाँ पर, बहुत सारे जज बन चुके थे 1880 के बाद तक, तो उन भारतीय जजों को अंग्रेजों के मुकदमे सुनने का अधिकार भी नहीं था। इसी तरह से जो प्रसिद्ध विद्वान गेरर था उनका तो यहाँ तक मानना था कि भारतीय राष्ट्रीय चेतना के विकास में प्रजातीय विभेद की नीति ने काफ़ी काम किया। उनका तो ये मानना था कि प्रजातीय विभेद के कारण ही भारत में राष्ट्रवाद की एक ज्वाला उठ खड़ी हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार को अंततः भारत से बाहर जाना पड़ा। तो प्रजातीय विभेद के कारण भारत में एक तरह से एक आक्रोश था और होना भी चाहिए, क्योंकि भारत में रहकर ही भारतीयों के प्रति उनकी ऐसी नीति थी कि जिसकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। उनको कुत्तों के समान भी समझा जाता था हम लोगों को, लेकिन हमारे जो राष्ट्रवादी लोग थे स्वतंत्र सेनानी, उन्होंने जमकर उनका मुकाबला किया और अंत में देश को आज़ाद करवाया। इसी तरह से पाँचवा जो कारण है, राजनीतिक संस्थाओं का योगदान। जब तक संगठन नहीं होगा ना, तब तक किसी भी आंदोलन को मुख्य धारा में नहीं लाया जा सकता और लोगों को संगठित नहीं किया जा सकता। तो भारत में धीरे धीरे, विशेषकर 1857 की क्रांति के पश्चात, संगठन बनने लगे ताकि छोटी छोटी बातों को अंग्रेजी सरकार तक पहुंचाया जा सके। शुरू में काफ़ी विनम्र भाव से ये आवाज़ें उठाई गई। भारत में शुरुआती दिनों में अंग्रेज़ों ने भी कई संस्थाओं का निर्माण किया था, जो अपने, जो उनके हक थे, जो व्यापारी वर्ग थे अंग्रेज, उन्होंने कई संस्थाएं बनाकर अपनी आवाज़ में ब्रिटिश सरकार, ईस्ट इंडिया कंपनी तक पहुँचाया करते थे। इसी तरह से सबसे पहले 1838 ईस्वी में भारतीय बंगाल के जमींदारों ने एक भूमिधारकों की सोसाइटी स्थापित की थी, लैंड होल्डर्स सोसाइटी। उसका गठन करने का एक कारण यह था कि कर मुक्त जो भूमि थी
उसमें कुछ परिवर्तन किया जाए। तो 1838 ईस्वी में कह सकते हैं कि भारतीयों द्वारा जो प्रथम संगठन ईस्ट इंडिया कंपनी के समय, अंग्रेजों के समय बनाया गया था, वह भूमि धारकों की सोसाइटी, लैंड होल्डर सोसाइटी थी। इसी तरह से 1851 में कलकत्ता में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का गठन किया गया। 1852 में बम्बई एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन का गठन किया गया। तो भारत के अलग अलग प्रांतों में, जैसे कि मुख्य प्रेसिडेंसियाँ थी कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में, यहाँ पर भी संस्थाएँ बनाई गई भारतीय लोगों के द्वारा, ताकि अपनी आवाज़ों को, जो भारतीयों के आवाज़ों को ऊँचा उठाना है, छोटी छोटी बातें अंग्रेज़ों तक पहुँचाना है, उनका इन्होंने काम किया। इसी तरह से भारत के विभिन्न प्रांतों में राजनीतिक गतिविधियों के लिए कई संस्थाओं का निर्माण होना शुरू हो गया था। 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले ये एक मजबूत संगठन था, मजबूत संस्था थी, जिसने भारतीयों की आवाज़, विशेषकर सिविल सर्विस से संबंधित बातों को अंग्रेजी सरकार के सामने बखूबी रूप से उठाया। इंडियन एसोसिएशन, द इंडियन एसोसिएशन जिसको बोल सकते हैं, जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा गठित की गई थी, आनंद मोहन बोस भी उनके साथ थे। इसी तरह से 1870 में पश्चिम भारत में पुनः सार्वजनिक सभा का गठन हुआ, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के पास लगभग 50 व्यक्तियों का नेटवर्क करने की क्षमता थी। इस संस्था ने भी पश्चिमी भारत की बहुत सारी मांगों को, बम्बई सरकार जो ब्रिटिश प्रेसिडेंट सरकार थी उनके सामने रखा, अंग्रेज सरकार के सामने रखा, और इस संस्था ने लोगों में राष्ट्रीय चेतना का विकास करने में पश्चिम भारत में महती भूमिका अदा की। इसी तरह से जो पढ़े लिखे भारतीय लोग थे, जो इंग्लैंड में भी रह रहे थे, पढ़ लिख रहे थे, वहाँ पर भी उन्होंने कई संस्थाओं का निर्माण करवाया, और अपने राजनीतिक प्रचार करने हेतु लंदन में भी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। अतः राजनीतिक संस्थाओं के द्वारा भारत में कई मांगों को रखा गया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में राष्ट्रीयता का उदय हुआ, राजनीतिक जनजागरण उत्पन्न हुआ। क्योंकि कोई भी संस्था, कोई भी व्यक्ति अकेला ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, संस्था के माध्यम से वह बहुत कुछ आगे कह सकता है, और उसका प्रभाव भी बहुत ज़्यादा पड़ता है, लोगों में भी उसका प्रभाव काफ़ी पड़ता है। तो राजनीतिक संस्थाओं का योगदान भी भारतीय राजनीतिक जागरण के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। छठा, समाचार पत्रों तथा साहित्य का विकास। समाचार पत्रों साहित्य ने काफ़ी प्रभावित किया भारतीयों को, विशेषकर आम जनताओं को, क्योंकि समाचार पत्रों साहित्य आम जनता तक भी पहुँचते थे, और इन समाचार पत्रों में और साहित्यों में अंग्रेजों के विरुद्ध भी, अंग्रेजों की नीतियों की भी आलोचना करना उन्होंने शुरू कर दिया था, जिससे अंग्रेजों की नीतियों के प्रति भारतीय लोगों में काफ़ी गुस्सा फैला था, काफ़ी गुस्सा पनमा था, जिसके परिणामस्वरूप भारत में बाद में ईस्ट इंडिया जो ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने कई कानून ऐसे बनाए जिससे समाचार पत्रों और साहित्य का जो प्रकाशन है उसका दमन किया जा सके, उसको रोका जा सके। इनमें सबसे जो प्रमुख कारण था, लॉर्ड लिटन, एक प्रतिक्रियावादी वायसराय, भारत के गवर्नर जनरल बनकर भारत आए थे, इन्होंने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में बनाया, जिसके माध्यम से अनेक समाचार पत्रों को बंद कर दिया गया, उन पर भारी जुर्माना या लगाया गया। वैसे भारत का जो प्रथम समाचार पत्र है वो बंगाल गजट था, 1780 में शुरू हुआ था। इसके अलावा भी कलकत्ता गजट और बाद में इंडियन वर्ल्ड जैसे समाचार पत्र भी प्रारंभ हुए, परंतु ये समाचार पत्र सरकार की उस समय कोई आलोचना करते नहीं करते थे, और एक तरह से सरकार की ही पक्षपात, सरकार का ही जो उनकी तरह से उनका ही सरकारी समाचार पत्र की तरह काम किया करते थे, इतना खुलकर ये बोला नहीं करते थे। लेकिन धीरे धीरे, विशेष 1857 की क्रांति के पश्चात समाचार पत्रों के चलन में काफ़ी निरंतरता देखने को भारत में मिली। समाचार पत्रों के माध्यम से ही राजनीतिक अधिकारों की बात जनता तक पहुंचने लगी। इंडियन मिरर, अमृत बाजार पत्रिका, द हिंदू, बम्बई समाचार, केसरी, मराठा जैसे समाचार पत्रों ने, संवाद, कौमुदी जैसे समाचार पत्रों ने, जो राजा राम मोहन के द्वारा पहले शुरू किए गए थे, उनके माध्यम से भारत में काफ़ी राजनीतिक जागरण, जनजागृति लोगों में फैली। इन समाचार पत्रों में अंग्रेजी जो शासन की अन्यायपूर्ण नीतियाँ थी, जैसे कि मैंने आपको बताया प्रजातीय विभेद की नीतियाँ थी,
भारत के जो आर्थिक शोषण के भारत का जो आर्थिक शोषण हुआ करता था उसकी नीतियाँ थी, प्रशासनिक सेवाओं में भारतीयों को जो को वंचित रखने की जो नीति थी, उन सबका इनमें अखबारों में काफ़ी लिखा गया, जिससे आम जनता तक अंग्रेजों की दुष्टोषपूर्ण नीति उन तक पहुँची और उन लोगों में अंग्रेजों के प्रति काफ़ी रोष उत्पन्न हुआ, जिससे भारतीय राष्ट्रीय जनजागृति उन लोगों में उत्पन्न हुई। इसी तरह से साहित्य, जैसे कि मैंने आपको बताया कि साहित्य के प्रकाशन ने भी 19वीं शताब्दी में काफ़ी महत्वपूर्ण काम किया भारतीय जनता में राष्ट्रीयता के प्रचार प्रसार के लिए। रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाली भाषाओं में अनेक साहित्यों की रचना की, जिसके माध्यम से उन्होंने अपनी बात जनता तक पहुँचाई। इसी तरह से बंकिमचंद चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ, एक महत्वपूर्ण साहित्य रचना थी, उसके माध्यम से भारतीयों में अंग्रेजों की दोषपूर्ण नीति थी उनको उजागर किया, और इससे भारतीय लोगों में काफ़ी गुस्सा भी फैला और अंग्रेजों के प्रति उनमें जो आक्रोश था वह अंततः राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में पनपा, जिससे भारत में एक बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन शुरू करने की चेष्टा लोगों के मन में शुरू हो गई। इस प्रकार से समाचार पत्रों, साहित्य का विकास, साहित्य के विकास में भी भारतीय लोगों ने जनजागरण उत्पन्न किया। अगले बात करते हैं आर्थिक शोषण, आर्थिक शोषण की। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से ही कंपनी का एक उद्देश्य था कि भारत से जितना हो सके उतना भारत को शोषित करो और यहाँ से जितना हो सके उतना माल से जितना धन कमा सके उसको इंग्लैंड ले जा सके और वहाँ पर अपना अच्छे से जीवन बसर कर सके, और उनको भारतीय लोगों से इतना कोई मतलब नहीं था, केवल भारतीय धन दौलत से ही उनको ज़्यादा रुचि थी। कंपनी की बहुत सारी आर्थिक नीतियों से भारतीय लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसके वजह से अंग्रेज़ों के प्रति भारतीय लोगों में काफ़ी गुस्सा उत्पन्न हुआ। इसी तरह से जो अंग्रेज़ों की औद्योगिक नीति थी उसके परिणाम स्वरूप उस समय भारत में वस्त्र उद्योग, विशेषकर बंगाल का वस्त्र उद्योग काफ़ी प्रसिद्ध था, लेकिन अंग्रेज़ों ने अपनी मशीनी, चूँकि अंग्रेज इंग्लैंड में औद्योगिकरण की जो शुरुआत हो चुकी थी, औद्योगिकरण के कारण इंग्लैंड एक विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश बन चुका था, और लगभग जहाँ पर भी उसका उपनिवेश था उसमें वह वहाँ से कच्चा माल प्राप्त करता था। इसी तरह से भारत से भी वह कच्चा माल प्राप्त करके इंग्लैंड ले जाया करता था, और इंग्लैंड से बना हुआ पक्का माल भारत में, क्योंकि भारत में वैसे ही वस्त्र उद्योग काफ़ी पनपा हुआ था, लेकिन अपना माल भारत में बेचा करता था, जबकि भारतीय कुटीर उद्योग, धंधे और वस्त्र उद्योग को पूरी तरह से उन्होंने तबाह कर दिया। टैक्स मुक्त यह होता था, आयात कर उन पर कुछ नहीं लगा करता था, इंग्लैंड से जो माल आता था वो फ्री टैक्स लग के आता था, जिससे कि वो माल थोड़ा सस्ता होता था भारतीय माल की अपेक्षा, जिसकी वजह से भारतीय कुटीर उद्योग धंधा पूरी तरह से तबाह हो गए, जिसकी वजह से भारतीय व्यापारी वर्ग औद्योग जगत में अंग्रेजों के प्रति काफ़ी गुस्सा था, जिसका परिणाम स्वरूप भारत में राष्ट्रवाद की नींव के रूप में उभरा। इसी तरह से अंग्रेजों की जो व्यापारी नीति थी वे शोषण की नीति थी। डी वाचा जैसे जो प्रमुख आर्थिक विचारक थे उनका तो ये मानना था कि उस समय भारत में लगभग कई बार ऐसा भी हो कि 4 से 5 करोड़ लोगों को एक वक्त का ही खाना मिल पाता था, तो भारतीयों की स्थिति काफ़ी गिर चुकी थी, और इस गिरी हुई शोषित स्थिति के कारण भारतीय लोगों के मन में अंग्रेजों के प्रति काफ़ी गुस्सा था। जब उनको संस्थागत संगठन नेताएं मिलने शुरू हो गए जो राष्ट्र के प्रति समर्पित थे, तो इन लोगों ने बढ़ चढ़ कर उन नेताओं का साथ दिया, और अंत में भारत में राष्ट्रवाद का जो गुबार था वह फटा और 1947 तक जाते जाते हमको आज़ादी प्राप्त हुई। इस तरह से शोषण की बात भी हुई। दो बात और हम कर लेते हैं संक्षिप्त रूप में। लॉर्ड लिटन की नीति, लॉर्ड लिटन कह सकते हैं कि बहुत प्रतिक्रियावादी ये गवर्नर जनरल वायसराय थे भारत के, और भारत को किसी भी तरह से भारत का शोषण वे करना चाहते थे। भारतीय जो विचार है, विचार कैसे भी निकल के जो भारतीय विचार देश के सामने आ रहे थे उनको वे दबाना चाहते थे, भारतीयों का हर तरह से वे शोषण करना चाहते थे। तो उनके द्वारा कुछ ऐसे काम किए गए जिनका मैं उल्लेख कर सकता हूँ। लॉर्ड लिटन चूँकि प्रतिक्रियावादी व्यक्ति थे और भारतीयों के तरफ भारतीयों से काफ़ी नफरत किया करते थे, तो भारतीय लोग चूँकि उस समय सिविल सर्विस का भी क्रेज होना शुरू हो गया था, तो भारतीय पढ़े लिखा तबका सिविल सर्विस की ओर जा रहा था, तो लॉर्ड लिटन ने अपनी नीति के माध्यम से उस समय सिविल सर्विस की जो मिनिमम आयु थी 21 वर्ष थी उसको घटाकर उन्होंने 19 वर्ष कर दिया।
ये भारतीय पढ़े लिखे लोगों पर काफ़ी बहुत बड़ा प्रभाव था, जिसके वजह से जिसके परिणाम स्वरूप सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भी इसका काफ़ी विरोध किया, क्योंकि वह भी एक सिविल सर्विस रह चुके थे और किसी कारण से उनको उठा दिया गया था। अब 19 वर्ष की आयु में, चूँकि उस समय इंग्लैंड में एग्जाम हुआ करते थे तो हर कोई व्यक्ति इन एग्जाम में भाग भी नहीं ले सकता था, तो इसका काफ़ी प्रभाव पड़ा। लिट्टन ने उसको 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दिया। इसी तरह से लिट्टन के द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया, शस्त्र अधिनियम। अब कोई भी भारतीय शस्त्रों को बिना अंग्रेजी सरकार के अनुमति के नहीं रख सकता था, उन पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए। इससे भारतीय लोगों में, चूँकि उस समय कानून व्यवस्था तो इतनी थी नहीं, सुचारू रूप से चलती नहीं थी, तो उन लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रखने पड़ते थे, लेकिन अब अंग्रेजों के शस्त्र अधिनियम के माध्यम से उन्होंने इस हथियार रखने को भी प्रतिबंध लगा दिया, जिससे भारतीय लोगों में काफ़ी आक्रोश भी उत्पन्न हुआ। इसी तरह से तो समाचार पत्र ब्रिटिश सरकार की नीतियों के खिलाफ आलोचना कर रहे थे और देश की जनता को जागरूक कर रहे थे, तो लॉर्ड लिट्टन ने क्या किया, 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया, जिसके माध्यम से विभिन्न समाचार पत्रों को प्रतिबंधित कर दिया गया या उन पर भारी जुर्माना कर दिया गया या उनकी मशीनों को जब्त कर दिया गया। और जो भी अखबार इंग्लैंड अंग्रेजों के खिलाफ लिखा करता था उनको, उनके संपादकों को जेलों में डाला जाने लगा। इतने कड़ा कानून उन्होंने बना दिए थे। इन कानूनों के खिलाफ जो पढ़ा लिखा भारतीय तबका था वे काफ़ी आक्रोशित हुआ। इसी तरह से लिट्टन के समय में ही एक अफगान नीति शुरू हुई, अग्रगामी अफगानों पर अफगानिस्तान पर आक्रमण किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप द्वितीय अफगान युद्ध का शुरुआत हुई। इससे पहले लॉर्ड ऑकलैंड के समय 1838-40 में प्रथम अफगान युद्ध शुरू हुआ था, लॉर्ड लिट्टन के समय ये द्वितीय अफगान युद्ध की शुरुआत हुई, जहाँ पर भारत को काफ़ी, भारतीय सेना को काफ़ी जान माल की हानि उठानी पड़ी और युद्ध में जो भी खर्चा हुआ वह खर्चे का बोझ भी भारतीय लोगों पर ही पड़ा। इस प्रकार से लॉर्ड लिट्टन की प्रतिक्रियावादी नीति के परिणाम स्वरूप भारत को भारतीय लोगों को काफ़ी दुख सहना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न भारतीय जागरूक लोगों ने भारतीय लोगों को आगाह किया कि किस प्रकार से अंग्रेजी सरकार हमारे प्रति प्रतिक्रियावादी नीति अपना रही है, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय लोगों में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, राष्ट्र जागरण भारतीय लोगों में फैला। अंतिम टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, इल्बर्ट विल विवाद। लॉर्ड लिट्टन के बाद जो अगले गवर्नर जनरल बनकर भारत आए लॉर्ड रिपन लॉर्ड लिट्टन के एक तरह से ऑपोजिट ही थे, ये काफ़ी प्रतिक्रियावादी थे लिट्टन, जबकि लॉर्ड रिपन एक उदारवादी व्यक्ति थे। लॉर्ड रिपन क्या थे, उदारवादी व्यक्ति थे और वह कई मामलों में भारतीयों के प्रति सहानुभूति भी रखते थे। तो उन्होंने, चूँकि उस समय एक ये मांग उठ रही थी कि किस प्रकार से जो यूरोपियंस जो लोग थे वे भारतीयों के जो समक्ष थे वो किस प्रकार से भारतीयों को भी किस प्रकार से नीची नज़रों से देखा करते थे। 1880 तक आते आते बहुत सारे सेशन मजिस्ट्रेट भारतीय लोग बन चुके थे, परंतु उन मजिस्ट्रेटों को, भारतीय जो मजिस्ट्रेट थे उनको यूरोपियन लोगों को, विशेषकर अंग्रेजों की सुनवाई करने का भी अधिकार नहीं था। यहाँ तक कि प्रेसिडेंसी के अलावा, जो प्रेसिडेंसी थी ब्रिटिश प्रेसिडेंसी, उनके अलावा जो उनके बाहर जो भी भारतीय क्षेत्र थे ब्रिटिश शासन के अंतर्गत, वहाँ के जो भारतीय मजिस्ट्रेट लोग थे वे अंग्रेजों के खिलाफ कोई आवाज़, कोई कानून के रूप में न्यायालय में उनकी सुनवाई नहीं कर सकते थे, वे अंग्रेज़ को अंग्रेजी किया करते थे। इसी तरह से कानून के समक्ष अंग्रेजों और भारतीयों में काफ़ी भेदभाव किया जाता था, अतः ये विवाद काफ़ी बढ़ रहा था और रिपन के समय भारतीय मजिस्ट्रेटों की संख्या भी काफ़ी बढ़ गई थी। तो लॉर्ड रिपन ने अपने जो काउंसिल के सदस्य थे, कानूनी काउंसिल के सदस्य सीपी इल्बर्ट, उनके नेतृत्व में एक कमेटी गठित की गई। उस कमेटी ने सिफारिश की गई कि अब भारतीय जो मजिस्ट्रेट है वे भी यूरोपियन लोगों के प्रति सुनवाई कर सकते हैं, उनको सजा दे सकते हैं। इससे जो अंग्रेज लोग हैं वे, जो ब्रिटिश सरकार है उससे काफ़ी चिढ़ गए, यहाँ तक इंग्लैंड में भी इसका काफ़ी विरोध किया गया। अंत में उन्होंने कई संस्थाएं बनाकर भारतीय ब्रिटिश सरकार पर काफ़ी प्रभाव डाला गया, दबाव डाला कि इस कानून को हटाया जाए। उन्होंने इस कानून को काले कानून की संज्ञा दी। तो इस प्रकार से लॉर्ड रिपन को अंत में इल्बर्ट बिल पर काफ़ी संशोधन करना पड़ा, एक तरह से बिल को उन्होंने वापस ही ले लिया और केवल अंग्रेजों की सुनवाई या यूरोपियन लोगों की सुनवाई केवल अंग्रेज ही जज ही कर सकता था, उन्होंने इस कानून को वापस लागू
कर दिया। इस कानून के परिणाम स्वरूप जो भारतीय पढ़ा लिखा वर्ग था उसमें काफ़ी आक्रोश उत्पन्न हुआ, क्योंकि उनको ऐसे लगने लगा था कि अंग्रेज प्रजाति विभेद की नीति के कारण भारतीय लोगों को छोटा समझता है और भारतीयों का शोषण कर रहा है। इसी के परिणाम स्वरूप 1885 तक जाते थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। अब भारतीय लोगों ने बड़े एक प्लेटफॉर्म से अंग्रेजों की नीति के खिलाफ आक्रामक रूप अपनाना शुरू कर दिया था। विशेषकर इल्बर्ट बिल विवाद के पश्चात अब भारतीय लोगों ने भी समझा कि हम भी एक संगठन बनाकर अंग्रेजों के ऊपर दबाव डालकर क्या कर सकते हैं, इनकी नीतियों में परिवर्तन करवा सकते हैं। इसलिए उन लोगों में राष्ट्र के प्रति जनजागरूकता फैली, जिसके परिणामस्वरूप भारत में एक तरह से राष्ट्रवादी सोच उभरी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ और इसके कितने 8 मुख्य कारण मैंने आपको बताए। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मुलाकात होती है। धन्यवाद।